खुशी रो, आपका स्वागत करती है द न्यूज टॉक चैनल में। बंदरों के कारण इस गांव की लड़कियां हैं कवारी। चलिए जानते हैं कारण क्या है इसके पीछे का। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली पड़ा है, कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। पटना से 75 किलोमीटर दूर भोजपुर के रत्नपुर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर काफी ज्यादा आतंक फैला हुआ है बंदरों का। अभी आप लोगों को पता है कि शादी विवाह जो होता है वो काफी ज्यादा, मतलब कि दोनों परिवार काफी ज्यादा सोच समझ के शादी करते हैं, और कोई भी जो माता पिता होते हैं उनके लिए उनकी बेटी की शादी काफी ज्यादा बड़ा एक इवेंट रहता है, बहुत ही बड़ा एक त्योहार रहता है कि उनको अपनी बेटी की शादी करनी है, धूमधाम से करनी है, और उसी के साथ काफी सारी ऐसी छोटी मोटी अड़चने आती रहती है, उसको सॉल्व करते रहते हैं। पर अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि वहां पर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, वहां की लड़कियां काफी ज्यादा मतलब कि कवारी बैठी हैं, और वहां के आजू बाजू के गांव की भी बेटियां कवारी बैठी हैं, जिसके कारण, जिसका अड़चन का कारण सिर्फ और सिर्फ वहां पर बंदर है। अभी आप लोगों को सुन के काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि बंदर कैसे ऐसे सब चीजें कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि काफी सारी आपने चीजें देखी होंगी कि बंदर जो रहते हैं झुंड में आते हैं, काफी बार काफी सारे एरियाज रहते हैं वहां पर बंदर काफी ज्यादा रहते हैं, पेड़ पे कूदते रहते हैं, घरों पे आ जाते हैं, घरों के कपड़े उठा के ले जाते हैं, कुछ भी कर देती है, मतलब काफी ज्यादा नॉटी हरकतें करते हैं। पर यहाँ पर ये लोग गुंडे बने हुए हैं, मतलब कि उस गांव में जब भी कोई बारात आती है उन बरातियों के ऊपर वो झुंड झुंड बन के वो लोग हमला कर देते हैं, खूनम खान कर देते हैं। अभी हाल ही में ही एक बारात वहां पर पहुंची, और बारात जब पहुंची थी तब सब लोग बहुत ही धूमधाम से स्वागत कर रहे थे, और उसी दौरान ढोल नगाड़े बज रहे थे और सब नाच रहे थे। अचानक से ही एक झुंड आया, और झुंड आने के बाद उनके हाथ से जो भी चीजें थी छीन के ले गया, उनको मारा, और मारने के बाद वहां पे खून खान हो गया, और उसी दौरान वहां से बारात वापस लौट गई। और लौटने के बाद ये पूरा मामला खबरों में आया हुआ है, और वहां की जो लड़कियां वो कवारी बैठी हैं, और उनका कहना ये है कि आजू बाजू के गाँव की जो लड़कियां हैं वो कवारी बैठी, जब भी ये लोगों को झुंड में देखते हैं तब ये झुंड में आके ये सब लोगों को मारते हैं, जिसकी वजह से उस गांव की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, और झुंड में लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, माता पिता काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो गांव के जो लड़का लोग हैं वो अपनी बारात दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, वहां से शादी करके चुपचाप आ जाते हैं। पर यहां पर जो चीज है वो काफी ज्यादा अजीब हो रही है, सरकार से वो लोग काफी ज्यादा गुहार लगा रहे हैं कि इन सब चीजों का कुछ किया जाए, पर अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी आंसर नहीं आया है। तो गाइज आप लोग ही बताइए कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअली वहां के लोगों को बंदरों से बचने का कोई तरीका है आपके माइंड में, तो प्लीज तरीका बताते हुए जरूर जाइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि उन तक आपका तरीका पहुंच सके, उन गांव वालों के पास, और वो गांव वाले आपका तरीका पढ़ के एटलीस्ट अपने आप को सेव कर पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।